हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्ते। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने क्लास 8th का CBSE बोर्ड का सिलेबस, जो अभी अभी न्यू रिलीज़ हुआ है। साइंस का सिलेबस मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ अभी, जिसमें हमारे पास अभी तक टेक्स्ट बुक में जो साइंस के चैप्टर्स थे वो 18 चैप्टर थे, जिनमें से 3 चैप्टर्स क्या हो गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। सॉरी, 5। कितने चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं? 5 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। तो हमारे पास टोटल अभी 13 चैप्टर्स बचे हैं। नोटिस आया था कि जो 30% सिलेबस डिलीट होने के बाद जो न्यू सिलेबस होगा वो ही बोर्ड के लिए सिलेबस कंसिडर किया जाएगा, और ये हमारे पास जो नीचे लिस्ट दिख रही है आपको, इसमें आफ्टर 30% डिटेक्शन 70% जो सिलेबस बचता है वो वाला सिलेबस है। कुछ ऐसे चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं जिनके बारे में आप या तो पहले पढ़ चुके हैं या आने वाली क्लासेज में भी उनके बारे में बड़े अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसलिए उनको यहाँ से डिलीट कर दिया गया, ज़्यादा बर्डन बच्चों पर ना आए। इसलिए टोटल मार्किंग का जो पेपर होगा वो होगा हमारा 80 मार्क्स का। सुनने में आया कि जो MCQs होंगे 40 मार्क्स का MCQ होगा, एंड सब्जेक्टिव होगा जो 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। बाकी जो 20 नंबर होंगे, 20 मार्क्स जो होंगे, वो हमारे स्कूल के लिए जो UT वगैरह होते हैं उनसे एडजस्ट किए जाएंगे। तो हमारा सिलेबस कुछ इस प्रकार है, चलो डिस्कस करते हैं। हमारे सिलेबस में जो 13 चैप्टर्स आएंगे वो ये वाले हैं, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 11, 12, 13, 14, 16 एंड 17। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 डिलीटेड है, 5 डिलीटेड है, 10th एंड 15 एंड 18। जो थर्ड चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक वाला चैप्टर रिलेटेड है। इसके बारे में हमने 7th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, सिंथेटिक्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में 6th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ से डिलीट कर दिया गया। फर्स्ट चैप्टर क्रॉप एंड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसके बारे में अभी तक कुछ नहीं जाना है हमने। 6th क्लास में हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जाना था जो खेती वगैरह में यूज किए जाते हैं। अभी यहाँ पर हम क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें कि क्या है कि हम अपनी सॉइल के बारे में, इरिगेशन के बारे में, क्रॉप्स की वैरायटीज़ के बारे में जानेंगे, मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, हार्वेस्टिंग वगैरह कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्तों की तरह काम करते हैं और कुछ हमारे दुश्मन भी है, जैसे कि फंजाई वगैरह हमारे किसी खाने वगैरह को ख़राब करने में हेल्प करती है हमारी, ठीक है। हेल्प तो क्या ही करती है, हमारा नुकसान ही करती है। तो इसी तरह से जो कुछ हमारी हेल्प करते हैं, जैसे केचुआ वगैरह है, अर्थ फॉर्म्स है, वो हमारे किसान के लिए बड़े ही अच्छे दोस्त कहलाए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 3rd में, 2nd में पढ़ेंगे। 3rd हमारा सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक वाला रिलेटेड है। तो चैप्टर नंबर 4 है जो मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास प्लास्टिक, मेटल्स, आयरन, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ऐसे ऐसे बहुत से मेटल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो जब इस चैप्टर के बारे में आपने पढ़ा है, अभी तक सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका होगा स्कूल्स में आपके, तो और हम भी यहाँ पर शुरू करने वाले हैं बोर्ड से पहले क्लास 8th का पूरा सिलेबस एक बार हम गो थ्रू कर देंगे बच्चों को, सभी को, ठीक है। तो जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे बड़े अच्छे से, और कम टाइम में बड़े इफेक्टिव तरीके से हम अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 6 था कंबशन एंड फ्लेम। यहाँ पे देखो, चैप्टर नंबर जो 5 है वो था पेट्रोलियम एंड कोल का, कोल एंड पेट्रोलियम। यहाँ पे देखो, कोल क्या है, कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, ठीक है, कार्बन का ही एक रूप है, जिसके क्या है कि कोल के बारे में हम 10th क्लास में भी बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पर पूरा चैप्टर ही कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो मे भी हो सकता है यही रीज़न हो कि यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया गया है। और फिर जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम वाला कंबशन एंड फ्लेम वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि LPG वगैरह, CNG वगैरह है, जो गैसेज वगैरह है, किस तरीके से यूज़ करे जाते हैं, किस तरीके से फ्लेम्स के लिए या फायर के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो ये 6th चैप्टर में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ में भी हो सकता है कि इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया हो। चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि अर्थ से डिस्टिंक्ट होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, तो उनको बचाने के लिए हमें कुछ ऐसे प्रोसेस शुरू करनी चाहिए, कुछ ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिनसे हम इनको, लोगों को अवेयर कर सके, ताकि हमें उन प्लांट्स और उन एनिमल्स को बचा सके, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और इस सेल के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक सी नॉलेज यहाँ पर आपको दी जाएगी 8th क्लास में। इसके बारे में देखो, हमने 7th क्लास में पढ़ा है, लेकिन 9th क्लास में फिर से इसके बारे में आएगा। यहाँ पर सेल्स के कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह और कुछ उसके पार्ट्स वगैरह के बारे में बताएंगे 9th क्लास में,
सेल के किस तरह से वर्किंग होती है, सेल और एनिमल सेल के बीच डिफ्रेंशिएशन करा जाएगा, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 यहाँ पर डिलीटेड है, एडोलसेंस इन रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ये चैप्टर यहाँ पर डिलीट करने का मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आया कि चैप्टर नंबर 10 क्यों डिलीट किया है, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 एक ऐसी एज पर और एक ऐसी क्लास में दिया गया है जो कि यहाँ पर समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस वो टाइम है जहाँ पर 8th क्लास में ही बच्चे ऐसी उम्र में होते हैं जब वो एक एडोलसेंस एज में एंटर कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी होनी चाहिए कि उनको ये चीज़ें पता हो कि अब उस उम्र इस उम्र में उनके साथ क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या उनको अपने लिए किस तरीके से केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर दे देना चाहिए था मुझे, इसके लिए थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। बायो के दो चैप्टर हो गए यहाँ पे, बहुत है। चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर, चैप्टर 12 फ्रिक्शन एंड 13 साउंड, 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 15 चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 यहाँ पर डिलीटेड है, सम नेचुरल फिनोमिना, सम नेचुरल फिनोमिना यहाँ पर डिलीटेड है। सेवन्थ क्लास में भी, सिक्स क्लास में, टेंथ क्लास में, नाइन्थ क्लास में भी इनके बारे में हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। 16 लाइट, 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, चैप्टर नंबर 18 भी डिलीटेड है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ये तो पूरी उम्र चलना है हमारा चैप्टर, क्योंकि ये तो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है, एयर और वाटर पोल्यूशन करना तो हमारा हमेशा करते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से, साफ़ सफाई करनी है, नहीं पोल्यूशन ज़रूर फैलाना है, तो इसके लिए तो हमारी लाइफ ही हमें सिखाती रहेगी इस चैप्टर के बारे में, और हमें खुद भी अवेयर रहना चाहिए। देखो ये मजाक की बात अलग थी, हमें एयर और वाटर पोल्यूशन कम से कम करना चाहिए, जितना हो सकता है उतना कम करना चाहिए, ठीक है। तो ये था भाई हमारा इफेक्टिव सिलेबस, या जो हमारा CBSE बोर्ड में आएगा 8th क्लास का वो सिलेबस, बड़ा ही आसान और ईजी सिलेबस है। बस हमें क्या करना है, अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली रखनी है। कोई ये नहीं दिमाग में लेकर आएगा कि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन आ सकती है तो हम भी, हमें भी क्या कर दिया जाएगा, अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा ना सोचे। आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, क्लासेस प्रमोट होने के लिए नहीं, ठीक है। डिग्रियों की अपनी दीवार पर लेमिनेशन करके नहीं लगानी है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। तो अपना बेस्ट दिखाइए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।